गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के तहत मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के उपेंद्र दत्त शुक्ल ने अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिला किया। नामांकन से पूर्व पार्टी द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन गोरखपुर क्लब में किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक फतेह बहादुर सिंह, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विधायक संत प्रसाद, विधायक शीतल पांडे, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल के संघर्षों के बारे में बताते हुए उन्हें बहुमत से जीत दिलाने की बात कही। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारियों और प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल को माल्यार्पण कर उनकी जीत की हुंकार भी भरी गई। युवाओं के धड़कन रहे हमारे बीच में आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, महानगर के मंत्री आदरणीय प्रियनाथ शुक्ला जी, डॉक्टर अनिल सोनकर जी, जितेंद्र अग्रवाल जी, शैलेश गुप्ता जी है, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। सबके वरिष्ठ साथी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे आदरणीय उपेंद्र शुक्ल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सूर्यप्रताप शाही जी, जयप्रकाश निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह जी, सांसद शरद त्रिपाठी जी, हमारे विधायक साथी भाई राधा मोहन दास अग्रवाल जी, भाई महेंद्र पाल सिंह जी, भाई विपिन सिंह जी, आदरणीय शीतल पांडे जी, ज्ञानेन्द्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, देवेंद्र प्रताप अमित सिंह साहब, भाई कामेश्वर सिंह जी, संत प्रसाद जी माननीय विधायक, भाई धर्मेंद्र सिंह जी, भाई अनूप गुप्ता जी, छोटे भाई विमलेश पासवान जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मित्रों, हम सत्ता में हैं ये बात किसी से छिपी नहीं, और सत्ता में रह करके झुक करके अगर हम कार्य करें तो शायद हमको सफलता ज्यादा मिल सके। हम ये मान के कतई न चले कि चुनाव एक चुनौती है, इस पर कोई भी लापरवाही किसी किस्म की मान्य नहीं होती मित्रों, और इस चुनाव को चुनौती मानकर अगर हम लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता है उस बूथ लेवल के कार्यकर्ता के सम्मान को रखाने का काम, उस बूथ लेवल के कार्यकर्ता को जगाने का काम, और हमारा वोट बूथ तक कैसे पहुंचे इसकी व्यवस्था भी करने का काम हमारे सभी पदाधिकारी कराते हैं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अगर 3 लाख से जीते थे तो उपेंद्र शुक्ल जी भी 3.5 लाख से कम होते न जीतने तैयारी हुई थी, इससे कम से न जीते, और ये मेहनत कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारा बूथ संगठित है, हमारे कार्यकर्ता संगठित है, लेकिन हमको लगना पड़ेगा सभी लोगों को। आज जितने ये साथी आए हैं सब शुभ पार्टी के शुभचिंतक हैं, लेकिन ये प्रतिज्ञा करके जब जाएंगे हम अपना बूथ जिता करके भेजेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी भी अपना पूरा समय, पूरा टाइम, उनकी निगाहें हम सबके ऊपर है, और वो समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा हम सबको। हम आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए पुनः उपेंद्र शुक्ल जी को बधाई देता हूँ कि गोरखपुर संसदीय क्षेत्र पूरे प्रदेश ही नहीं देश में एक सम्मानित पद है, और आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे। हम चाहेंगे कि उपेंद्र शुक्ल जी गोरखपुर के गौरव को बढ़ाने का काम करें, सर निश्चित रूप से सफलता हमारे आगे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णय के कारण
पूरा भारतीय जनता पार्टी भी पूरा प्रसन्न है। सब जगह उल्लास है, उन्माद है, उत्साह है, एक अच्छा वातावरण का सृजन हुआ है। जिस वातावरण को जगाने के लिए, सृजित करने के लिए थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता था, उस सृजन को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो योग्य निर्णय लिया है श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल जी के रूप में, अपने आप एक अच्छा वातावरण पूरे क्षेत्र में बना हुआ। मित्रों, ये लोकतंत्र का युद्ध है। इसी युद्ध में पहले एक विराट व्यक्तित्व का सहारा रहता था, सहयोग रहता था, सहारा और सहयोग तो रहेगा ही, लेकिन प्रत्याशी के रूप में एक महान व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं। गोरखपुर उपचुनाव के नामांकन के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। 1989 से लगातार ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही है। पूज्य बड़े महाराज जी और उनके बाद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने इस सीट को खाली किया है और ये सीट उनके खाली करने की वजह से, मुख्यमंत्री होने की वजह से खाली हुई है, और इसलिए इसकी भरपाई हम सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल से कराना है, कमल के फूल से कराना है और रिकॉर्ड मत से कराना है। मैं कल गौतम बुद्ध नगर में था जब मुझे जानकारी मिली कि आदरणीय उपेंद्र शुक्ला को टिकट मिल गया, और मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, मुझे लगा कि एक जुझारू संघर्षशील कर्मठ जमीनी कार्यकर्ता जिसने अनेक आंदोलन में लाठियां खाई हैं और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहने के बावजूद भी जिला अध्यक्ष के रूप में रहते हुए चुनौतियों के साथ कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करते रहे, और सैकड़ों लाठियां पड़ने के बाद भी जिस आदमी ने हार नहीं भरी, उस कार्यकर्ता को जब टिकट मिला है तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का हृदय गदगद है। हम प्रसन्नता के भीतर है और मुझे ऐसा लगता है कि सूर्यता का ही नहीं, गोरखपुर क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता जो उपेंद्र शुक्ला को जानता है, इस चयन से भारतीय जनता पार्टी को इन नेताओं को आभार प्रकट करता है और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आपने जमीनी कार्यकर्ता को प्रतिनिधित्व देकर के और एक ऐसी परिस्थितियां पैदा की है कि चुनाव को तो कार्यकर्ता स्वयं खड़ा होकर के लड़ेगा और लड़ करके निश्चित रूप से निकाल मतों से कमल का फूल खिलाएगा। भाइयों के घर में निशुल्क बिजली के रोशनी जब आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। उत्तर प्रदेश के किसानों का छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक साल के भीतर किया है, और इसमें कार्यकर्ता भाइयों मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये चुनाव उपेंद्र शुक्ला का नहीं है, ये चुनाव आपका है, ये आपके मान और सम्मान का चुनाव है। हर कार्यकर्ता की अस्मत इसके साथ लगी हुई है। हमारे नेता भी कहते हैं कि आप बार बार कहते हैं कि कार्यकर्ता कार्यकर्ता कार्यकर्ता, तो अब की बार हम कार्यकर्ता को देते हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि कार्यकर्ता और जनता हाथों हाथ इस उपेंद्र शुक्ला को उठाएगी और हर गांव से कमल ही कमल खिलेगा। यह अनुरोध और प्रार्थना करते हुए आपसे मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव थोड़े समय का है, हम सभी मिलकर के अपने अपने यहाँ से लग जाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय शाही जी, आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी, और हमारे आज के कार्यक्रम में नामांकन के लिए प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ला को बड़ी मान्यता के उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी हिंदू आवाज़ हिंदू आवाज़